अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र यानी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूले का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 4 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 22 सही 1/2 डिग्री का मान है। तो हमें इस क्वेश्चन में 10 22 सही 1/2 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका होता है 2 tan a अपॉन में आपका होता है 1 - tan² a। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 22 सही 1/2 डिग्री। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 22 सही 1/2 डिग्री। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 में 44 हो जाएगा और 44 में 1 ऐड करेंगे 45, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं 45/2 हमारा हो गया। या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, जब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 45 को, तो क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री ये आपका हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 22.5 डिग्री। तो अब हमें कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है 10 टू ए वाला, उसी में ले जाके इस ए की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए फिर यही करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 टू ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10, ठीक है 10 मैंने लिखा, फिर 2, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, मल्टीप्लाई कराऊंगा 22.5 से, तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22.5 में होगी तो हमें 10.45 मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 10.45 लिखा हुआ है। अब चलिए आगे वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो फॉर्मूला आपका है 2 tan a, तो 2 tan a की जगह रखेंगे 22.5, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर अपॉन में आपका 1 - tan² a लिखा हुआ है, तो अपॉन में 1 - tan² और a की जगह 22.5 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 10.45 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, इज इक्वल टू आपका 2 tan 22.5 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 22.5 डिग्री, ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब आगे वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा माना 10 22.5 डिग्री इज इक्वल टू एक्स मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स मान लिया। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 tan 22.5 डिग्री है और हमने यहाँ पे 10 22.5 डिग्री को एक्स मान लिया है, तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं पहले 2 लिखा हुआ है ना, 2 तो ऐसे ही रहेगा और 10 22.5 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स माना हुआ है, तो यहाँ पे एक्स हो गया। फिर उसके बाद अपॉन में 1 - ये आपका एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10² 22.5 डिग्री, ठीक है तो हमने यहाँ पे 10 22.5 डिग्री को x माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x², तो जैसा कि आप देख सकते हैं x² आपका यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - x² की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 - x² ही होगा और 1 की मल्टीप्लाई 2x में, तो इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब मैं इसको आगे लिखूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x² + 2x - 1 = 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लिया है, x² + 2x - 1 = 0 हो गया है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे श्रीधराचार्य वाला सूत्र यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास टेंथ में आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन में आपका टू ए होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज को डिसाइड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा आया हुआ है। तो यहाँ पे ए की जगह ये x है तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू मैं यहाँ पे वन लूंगा, ठीक है, x का गुणांक एक होता तो यहाँ पे एक ही लिखूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे b की जगह, तो b की जगह 2x है तो b की जगह b इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 2 ले लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर माइनस वन, जो ये वन है ये c की वैल्यू होगी लेकिन यहाँ पे माइनस वन है तो c इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब यही सब वैल्यूज को हम ले जाके इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में क्या है, माइनस बी है और बी की वैल्यू तो हमारी दो है लेकिन फॉर्मूले में माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस लगेगा और बी की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रख देंगे यानी दो हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस माइनस आपका एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूँ, बी स्क्वायर का मतलब यानी दो का स्क्वायर होगा ना, तो दो का स्क्वायर माइनस। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है फोर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी वन है तो फोर इंटू वन हो जाएगा, ठीक है, फोर इंटू वन हो गया। फिर सी की वैल्यू क्या है, माइनस वन है तो माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर क्या होता है, चार होता है तो यहाँ पे मैंने चार लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए फोर की मल्टीप्लाई वन में फोर होगा, फोर आ जाएगा ना यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस वन में तो यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, माइनस फोर और ये दो का स्क्वायर चार मिला ही हमें, और फिर इसके बाद माइनस और फिर यहाँ पे माइनस फोर मिला है तो ये माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा यानी फोर प्लस फोर हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर अपॉन में टू ए, तो टू और ए की वैल्यू तो वन है तो वन तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दो ही रहेगा यहाँ पे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका माइनस टू है, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर फोर प्लस फोर ये आपका एट हो जाएगा यानी अंडर रूट एट हो जाएगा और अपॉन में आपका टू रहेगा। अब अंडर रूट एट इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एट तो यहाँ पे दो से स्टार्ट करेंगे तो टू फोर ज़ा एट हो जाएगा, फिर टू टू ज़ा फोर हो जाएगा और ये टू वन ज़ा टू हो जाएगा, तो यहाँ पे दो का पेयर बना और एक दो हमारा अकेले बचा हुआ, यानी इस अंडर रूट आठ को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू रूट टू लिख सकता हूँ। तो अगले स्टेप में मैंने यही किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यही किया मैंने, ये माइनस टू आपका एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस ये भी एज इट इज रहेगा, और ये जो था ये आपका फोर प्लस फोर अंडर रूट एट, इसको सॉल्व करने पर टू रूट टू मिला और अपॉन में आपका टू तो रहेगा ही। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे ऊपर दो को कॉमन ले लूंगा, ठीक है, जब दो को कॉमन ले लिया जैसा कि आप देख सकते हो तो क्या बचेगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू और अपॉन में आपका टू बचेगा। अब ये दो से और ये दो हमारा हो जाएगा कैंसल आउट, तो हमें यहाँ पे क्या मिला जैसा कि आप देख सकते हमें यहाँ पे मिला माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी अंडर रूट टू माइनस वन, ये मिलेगी, और दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस अंडर रूट टू माइनस वन, ये हमें मिलेगी, ठीक है, यही वैल्यू हमें मिलेगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते क्या इन दोनों वैल्यूज में से कुछ हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन में हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, हमारी वैल्यूज क्या आई थी, ये आई थी और एक वैल्यू हमारी आई थी माइनस अंडर रूट टू माइनस वन, तो इन दोनों में से कोई वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही नहीं दिख रही है ना, तो जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस दो से तीन बार कीजिएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई स्टेप्स हैं और सारे स्टेप्स आपको डिटेल में समझने होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा था ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पे नीचे सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, हमें ये मिला था माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू मिला था। अगर मैं इसकी वैल्यूज को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट टू माइनस वन, ये भी आपके ऑप्शन में दी नहीं हुई है, अंडर रूट टू माइनस वन भी नहीं दिया है, और फिर माइनस अंडर रूट टू माइनस वन ये भी आपकी नहीं दी हुई है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या दिया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + sin 2x अपॉन में 1 - sin 2x का मान बराबर है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 + sin 2x अपॉन में 1 - sin 2x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है 1 + sin 2x लिखा हुआ है, और सबसे पहले यहां पे 1 लिखा हुआ है। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं sin²x + cos²x। कैसे लिखा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ है sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो फिर इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया sin²x + cos²x। अब यहाँ पे x क्यों लिखा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका sin²x लिखा हुआ है। अभी जब हम यहाँ पे आगे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे x के टर्म में लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा sin²x + cos²x, ये मैंने 1 की जगह लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है sin²x, यानी sin²a का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है sin²a का फॉर्मूला, 2sin A cos A होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं sin²x लिखा हुआ, A ना लिख के x लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे x के टर्म में अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा sin²x का, 2sin X cos X हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यही लिखा 2sin X cos X हो जाएगा। अब इसी प्रकार जो आपका अपॉन में दिया है 1 - sin 2x, तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin²x + cos²x, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का साइन लगाया, sin²x यानी sin²a वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन x के टर्म में होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2sin X cos X हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अंडर रूट तो लगा ही रहेगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है sin²x + cos²x + 2sin X cos X लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a² + b² + 2ab के फॉर्म में ये आपका पूरा लिखा हुआ है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b² का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a + b² का फॉर्मूला यही तो होता है। तो इसी फॉर्म में आपका ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin X + cos X² जैसा कि आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर अपॉन में देखिए आपका क्या लिखा है, sin²x + cos²x - 2sin X cos X, ये किस फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका लिखा हुआ है a² + b² - 2ab के फॉर्म में ये आपका लिखा हुआ है। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b² का फॉर्मूला ये आपका होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sin X - cos X² जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये अंडर रूट आपका ऐसे ही लगा रहेगा। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है, और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो जब हम स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे जब अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में आपको मिलेगा sin X + cos X, और अपॉन में आपका sin X - cos X हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे में अंडर रूट लगा हुआ था, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, अंडर रूट को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, sin X + cos X, और अपॉन में sin X - cos X मिल गया। अब इसके बाद वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा
अंश व हर में कॉस एक्स से भाग देने पर, यानी ऊपर भी हम यहाँ पे कॉस एक्स से भाग देंगे और नीचे भी हम यहाँ पे कॉस एक्स से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर आपका क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, और हमें यहाँ पे कॉस एक्स से डिवाइड करना है, तो साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स तो रहेगा ही, और अपॉन में हमें कॉस एक्स से डिवाइड कर देना है, फिर प्लस प्लस लगाया, कॉस एक्स तो था ही और कॉस एक्स से हमें यहाँ पे डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार अपॉन वाले में आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स तो रहेगा और अपॉन में हमें कॉस एक्स से डिवाइड करना है, कर दिया यहाँ पे, फिर माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, फिर कॉस एक्स है और कॉस एक्स से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉस एक्स से कॉस एक्स और ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो चुका है। इसी प्रकार आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, फिर माइनस यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, वन ही तो बचेगा, तो यहाँ पे माइनस वन बचा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस वन यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस वन, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा ना, और प्लस वन आपका है ही तो प्लस वन यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार अपॉन वाले में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस वन है तो ये माइनस वन आपका हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, टेन एक्स प्लस वन और अपॉन में टेन एक्स माइनस वन, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है टेन एक्स प्लस वन और टेन एक्स माइनस वन, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको इस क्वेश्चन में 2 जगह ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हमने यहाँ पे ये अंडर रूट हटाया था इसको आपको समझना है, और फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे अंश और हर में कॉस एक्स से डिवाइड करना है, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिखा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा तथा b इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab का मान होगा। तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई हैं ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। तो a इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और b इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसके बाद 2ab की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा और मैंने भी आपको कई बार ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि हमें इसी की वैल्यू को निकालना है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमें क्या दी है, ए की वैल्यू दी है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा दी है। तो इस फॉर्मूले में मैं ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये मैंने ए की जगह रख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है, तो फिर से देखिए ए की वैल्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ये रख दी, फिर माइनस तो माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे प्लस साइन अल्फा है और ये माइनस साइन अल्फा है, ये सीधे सीधे आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे बचा क्या है, ये कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा दोनों ऐड होके आपके क्या हो जाएंगे, 2 cos alpha यहाँ पे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते क्या हो गया, 2 cos alpha हो गया। अब इसी प्रकार से इस वाले में देखिए, तो इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये आपका माइनस कॉस अल्फा है और ये प्लस कॉस अल्फा है, ये क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे हमारा, ये साइन अल्फा, ये प्लस का है ना, प्लस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, साइन अल्फा तो बचा ही हुआ है,
ठीक है, ये प्लस का है, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और फिर हमारा यहाँ पे लास्ट में माइनस साइन अल्फा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा मिलके आपका 2 sin alpha हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 sin alpha हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 cos alpha sin alpha हो जाएगा। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या हो जाएगा 4 cos alpha sin alpha हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 2 into 2 किया, फिर आप जो है आपका साइन अल्फा था इसको मैंने आगे लिख लिया। आगे क्यों लिखा, ताकि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 into 2 किया, फिर इसके बाद जो आपका साइन अल्फा था इसको आगे लिख दिया और कॉस अल्फा को बाद में लिख दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 2 sin alpha cos alpha लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, यहाँ पे sin 2 alpha हो जाएगा, और ये 2 तो आपका रहेगा ही, ये 2 आपका आगे वाला था ये तो रहेगा ही, फिर इसके बाद 2 sin alpha cos alpha लिखा हुआ है, ये sin 2 alpha का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ था तो हमें यहाँ पे इसको अल्फा के टर्म में लिखना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 sin alpha cos alpha लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 alpha ही तो होगा, बस यहाँ पे फॉर्मूले में आपका क्या होता sin 2a होता है, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin 2 alpha, ये किसकी वैल्यू हमारी निकली हुई है, यहाँ पे a² - b² की वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो a² - b² की वैल्यू मिली 2 sin 2 alpha। तो आशा करता हूं आप इसको यहां तक समझे होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे 2ab की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 2ab लिखा, तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी दी है, तो a की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे a की वैल्यू हमें यहां पे क्वेश्चन में दी हुई है cos alpha + sin alpha, तो यहां पे a की जगह हम लाके लिख सकते हैं cos alpha + sin alpha। फिर b की वैल्यू हमें कितनी दी है, तो b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है cos alpha - sin alpha, ये लाके हम यहाँ पे रख देंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं cos alpha - sin alpha ये रख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा cos² alpha - sin² alpha। हमें क्या मिल गया मल्टीप्लाई करवाने पर, cos² alpha - sin² alpha मिल गया। ये cos² alpha - sin² alpha इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तो आपका रहेगा ही, ये हो जाएगा cos 2 alpha हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, cos 2a = आपका होता है cos² a - sin² a, ये आपका एक फॉर्मूला होता है cos² a - sin² a, लेकिन यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में लिखा हुआ है तो अल्फा के फॉर्म में लिख देंगे बस, यानी cos 2 alpha आपका हो जाएगा, और वैसे cos 2a = आपका फॉर्मूला क्या होता है, cos² a - sin² a, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार बताया हुआ है, तो यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने 2 तो रहेगा ही और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos 2 alpha हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2ab की वैल्यू हमें क्या मिल गई, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 cos 2 alpha हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, हम बड़े आसानी से यहाँ पे a² - b² / 2ab की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो a² - b² की वैल्यू हमारी क्या निकली है, तो ये हमारी निकली थी 2 sin 2 alpha, तो यहाँ पे 2 sin 2 alpha ला के रख दिया। फिर 2ab की वैल्यू हमने यहाँ पे कितने निकाली, 2 cos 2 alpha, तो 2 cos 2 alpha यहाँ पे ला के रख दिया। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 से ये 2 सीधे सीधे कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin 2 alpha और अपॉन में cos 2 alpha, तो sin 2 alpha / cos 2 alpha = क्या हो जाएगा, tan 2 alpha हो जाएगा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं tan 2 alpha कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया दोबारा रिपीट भी हो सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा
प्लस साइन टू थीटा अपॉन में आपका वन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा का मान बराबर है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, साइन थीटा ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे साइन टू थीटा यानी साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ, तो थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइन टू थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपॉन में आपका वन प्लस, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा ये भी आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे कॉस टू थीटा लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कॉस टू थीटा का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जो आपका ये वन आगे लिखा हुआ है ये क्या हो जाए, ये कैंसल आउट हो जाए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस टू ए इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है तो थीटा के फॉर्म में इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस वन ये प्लस वन सीधे सीधे यहाँ से कैंसल आउट हो चुका है। अब बचा क्या, ऊपर बचा साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में आपका कॉस थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ऊपर से मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लूंगा, जब साइन थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन प्लस टू कॉस थीटा और नीचे से मैंने यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। जब कॉस थीटा को कॉमन ले लूंगा यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते तो क्या बचेगा, वन प्लस टू कॉस थीटा बचेगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया है, तो वन प्लस टू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे वन प्लस टू कॉस थीटा से वन प्लस टू कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं टेन थीटा कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगाने का तरीका पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस 22 सही 1/2 डिग्री का मान बराबर है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे कॉस 22 सही 1/2 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस 22 सही 1/2 डिग्री लिखा है। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 22 में 44 हो जाएगा प्लस 1 45, यानी 45/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करने वाले, फॉर्मूला आपका क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू को रखेंगे तो 45/2 नहीं रखेंगे, आपको यहाँ पे 45 ही रखना है। 45 क्यों रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपका क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन है। जब हम ए की वैल्यू को 45 रखेंगे, यहाँ पे ए बाई टू है तो बाई टू तो आपका पहले से ही यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखना है हमें यहाँ पे 45 ही रखना है, 45/2 नहीं रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू वैल्यू मैंने कितनी ली, 45 डिग्री ली हुई है, 45 ही आपको यहाँ पे रखना है। तो चलिए हम फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए है ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कॉस ए यानी ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री आपका हो जाएगा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू है, तो ए की जगह 45 और बाई टू आपका फॉर्मूले में पहले है, इसीलिए यहाँ पे बाई टू आपका हो जाएगा और माइनस वन आपका हो जाएगा। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस 45 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 45 बाई टू और माइनस वन लिखा है, ये माइनस वन अगर मैं इसको बराबर के इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा ना। तो अगले स्टेप में मैंने यही किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इस माइनस वन को बराबर के इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, प्लस वन, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वन प्लस कॉस 45 डिग्री आपका हो गया और टू कॉस स्क्वायर
45/2, ये आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दो देखिए, ये आपका मल्टीप्लाई में है, अगर मैं बराबर के इधर भेज दूँ तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका टू हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे फिर आपका क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 45/2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, केवल यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45/2 बचेगा। तो जो कॉस स्क्वायर 45/2 है, इसको मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, और दो तो पहले हमने इसको भेज दिया, ये क्या हो गया था, 1 प्लस कॉस 45° अपॉन में आपका 2 हो गया था, इसको मैंने इधर ला के लिख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45/2 को पहले लिख लिया और 1 प्लस कॉस 45° और अपॉन में 2 इसको बाद में लिख दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45/2 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, फिर 1, उसके बाद प्लस कॉस 45° कॉस 45° की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन में आपका 2 है तो 2 तो रहेगा ही। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 45/2 ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, √2 की मल्टीप्लाई 1 में √2 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी √2 + 1, और अपॉन में आपका √2 तो रहेगा ही, और अपॉन में आपका 2 है तो ये भी आपका एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 45/2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, √2 + 1 और अपॉन में √2 है, अपॉन में आपका 2 है, ये लिखा हुआ था ऊपर। अगर मैं यहाँ पे जो आपका ये 2 है नीचे 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जब मैं इसको ऊपर भेजूँगा तो ये पलट जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो √2 + 1 की मल्टीप्लाई 1 में करवाऊँगा तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 ही होगा, और यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई 2 में तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45/2 इज इक्वल टू √2 + 1 और अपॉन में 2√2, ये हमारा बचा हुआ है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 45/2 है ना, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा सकता हूँ। तो अगले स्टेप में मैंने यही किया, जो आपका ये स्क्वायर था इसको यहाँ से हटा दिया। जब इसको हटा दूंगा तो कॉस 45/2 बचेगा और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अगले स्टेप में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंडर रूट मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो कॉस 45° अपॉन में आपका 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 + 1 और अपॉन में आपका 2√2 हो गया, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे करके भी लिख सकते हैं, इस टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपका √2 + 1 है तो 1 को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, 1 + √2 लिख सकता हूँ और अपॉन में आपका 2√2 हो जाएगा। तो दोनों आपका सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन में आपका दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, तो यहाँ पे 1 को पहले आगे लिख दिया गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार जरूर कर लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश करवा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट था, इसीलिए सभी क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।